मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए सभी दलों ने किसानों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जहां सरकार में आने पर कर्ज माफ करने की घोषणा की है, वहीं बीजेपी ने भी किसी किसान के कर्जदार नहीं रहने की बात कही है। पर किसानों की कर्ज माफी उतनी आसान भी नहीं है जितनी वादों में दिख रही है। में कर्ज माफी अहम मुद्दा, कांग्रेस ने किया कर्ज माफी का ऐलान। शिवराज भी बोले कोई नहीं रहेगा कर्जदार, लेकिन आसान नहीं है कर्ज माफी। कर्ज माफी के लिए चाहिए 60,000 करोड़। विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी सबसे अहम मुद्दा था। कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का वचन दिया है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज समाधान योजना को बेहतर बनाने और किसी को कर्जदार नहीं रहने की घोषणा की। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन जितना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। और मेहनत करी, लगत लगाई और फसल बिगड़ गई भैया, तो हम क्या करें? किसान ऐसा झटका लग जाता है कि उसे समझ में नहीं आता, रातों रात आने वाली फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई। भगवान ना करे कभी खराब हो, लेकिन कभी कभी खराब और बर्बाद हो जाती है। वैसे में किसान तनाव में आता है, बैंकों का पैसा और बैंकों के अलावा प्राइवेट सूद रुपए जो पैसा देते हैं उनका पैसा, वो तनाव में आ जाता है और कई बार इतने तनाव में आता है कि अपनी जीवन लीलाई समाप्त कर लेता है। और इसलिए हमने जो पठानी ब्याज पे कर्जा देते हैं उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बना के भारत सरकार की अनुमति के लिए भेजा है। ऐसा बेईमानी मत करना मेरे भाई बहनों, लेने देने में बात साफ होनी चाहिए। मैं जिनके पास है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो केवल खाली हाथ बचे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है। लेकिन चुनाव के मंच से नेता घोषणा कर रहे हैं, पर कर्ज माफी उतना आसान नहीं है। प्रदेश में करीब 49 लाख किसानों के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है। इसमें 22,000 करोड़ के कर्जदार सहकारी बैंकों में हैं। इसमें 34 लाख किसान भी शामिल हैं। वहीं वाणिज्य बैंकों के लगभग 15 लाख किसानों के ऊपर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज माफी के लिए सरकार को मौजूदा बजट का लगभग 30% हिस्सा लगाना होगा। वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये मुश्किल है, क्योंकि 7वां वेतनमान देने के कारण व्यय बढ़ गया है, विकास कार्यों में बड़ा बजट खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर जितनी आसानी से कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है, ये उतना आसान नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।